यहाँ नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि एक बार फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागालैंड, असम, मेघालय के लगभग 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इनके तार दिल्ली से भी जुड़े हैं। चित्तौड़गढ़ शांत शहर होने के कारण यहाँ पर एक फर्जी कॉल सेंटर को संचालित किया जा रहा था। छोटा शहर होकर भी यहाँ पर हाईटेक तरीके से काम किया जा रहा। पुलिस ने 19 CPU, 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और जिसमें टेक्स्ट नाउ ऐप डाउनलोड था, रेड नेट राउटर, वाईफाई, CCTV कैमरा भी जब्त कर लिया। पूछताछ में पता चला कि कॉल सेंटर का मालिक उदयपुर निवासी प्रसून उर्फ प्रशांत और लाला उर्फ शरीफ खान पुत्र बाबू खान पठान, चित्तौड़गढ़ निवासी सचिन बैरागी और होटल मालिक साजन बैरागी उर्फ रोहित पुत्र श्याम दास बैरागी इनमें शामिल था। इनके निर्देशों पर एक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यहाँ कॉल सेंटर पहले भी चला रहे थे, लेकिन किसी कारण बंद नहीं किया गया, फिर एक महीने से लगातार चल रहा। दरअसल इन लोगों के द्वारा टेक्स्ट नाउ ऐप की सहायता से USA में लोगों को कॉल कर अमेजन कंपनी के कस्टमर सर्विस बनकर झांसा देने वाले फर्जी कॉल सेंटर पर कोतवाली पुलिस ने शनिवार सुबह रेड डाला, जिसमें 16 को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए उन्हें थाने लेकर पहुंची, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल से। अगर आप चैनल पर नए विजिट करें, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।